नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद इंडिया की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे कि तुंगभद्रा नदी के बारे में। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से हुआ है तथा इसकी लंबाई 531 किलोमीटर है। और दोस्तों, यह कृष्णा नदी में जाकर मिल चुकी है। दोस्तों, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में बहती है और कृष्णा नदी में मिल जाती है। इस नदी का जन्म पश्चिमी घाट के गंगामूला नामक स्थान से तुंगा एवं भद्रा नदियों के मिलन से हुआ है। और विश्व विख्यात शहर हम्पी तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों, आपको दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आप हमारी यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप हमारी यह वीडियो Facebook में देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।